Hey guys, this is Hassan and welcome to my channel Hassan Academy. So in this channel mostly we talk about different competitive exam and their tips and tricks. Okay, so today's video also going for tips regarding competitive exam only, that how you need to analyze your mock test or test series. Okay, so I will tell this thing in details in Hindi, so people who don't understand Hindi, please watch this video till last. At the end I will keep a brief explanation for you guys in English so that you can understand. Okay, so let's start the video. And before that, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe, it's free. Okay, please do subscribe. So चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि मॉक टेस्ट आप में से बहुत लोगों ने देना शुरू कर दिया। मैंने दिसंबर लास्ट में वीडियो बनाया था, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा शेड्यूल था उस हिसाब से फरवरी लास्ट तक एग्जाम हो जाना था, तो आपको दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू कर देना चाहिए। तो आई थिंक बहुत लोगों ने शुरू कर दिया, और जो भी लोगों ने शुरू किया तो उनको जब आप रिजल्ट मिलेगा उसके बाद एनालिसिस किस तरह से करोगे बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि आप एनालिसिस किस तरह से करो ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो पाए। ठीक है, हम मॉक टेस्ट क्यों देते या फिर टेस्ट सीरीज क्यों लगाते, ताकि हमारा एक प्रैक्टिस बन जाए, हमारा गलती को हम सुधर पाए और हमारा इम्प्रूवमेंट हो फाइनल रिजल्ट में। तो सबसे पहले कि आपको कुछ चीज़ों में ध्यान देना है, कि आप में से कुछ बच्चे होगा जो अप्रोक्स 100 मार्क लेके चलो, ठीक है, परसेंटेज वाइज बोलूँगा आप समझ लेना। कुछ बच्चे इतना भी कम स्कोर कर सकते हो कि 10% 20% आप स्कोर कर रहे हो, मे बी 15% कर रहे हो, और कुछ बच्चे मॉडरेट से स्कोर कर लेते हो इंटरमीडिएट, लाइक 40-50% स्कोर कर पा रहे हो, और कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हो, लाइक 70-80% मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहे हैं। बट सेम टाइम डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का लेवल जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो नेशनल लेवल के एग्जाम के लेवल के इक्वल है कि नहीं। अगर वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा इजी है तो कुछ फ़ायदा नहीं, इवन 90% आप स्कोर कर लो। मैंने ऐसा एक स्टडी पहले भी बोला था। तो एनीवे, तो देखो ये वीडियो सभी के लिए होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिए हो वो लोग भी चाहो तो देख सकते हो, या फिर इग्नोर करना है तो कर सकते हो, बट देख लोगे तो अच्छा होगा, क्या पता थोड़ा बहुत और स्कोर कर पाओ। 70% मिल रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि 80% तक कैसे जाओ। ठीक है, तो हमेशा हमको ऐसा टारगेट रखना है, क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जाम है, आपका क्लास टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप किसी रीजन से ये उनके लिए है जो लोग अटेम्प्ट ही बहुत कम कर रहे हो, अगर 100 क्वेश्चन है और आप सिर्फ 20-30 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मतलब आप बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको अटेम्प्ट इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इन अटेम्प्ट इंक्रीज मतलब ये नहीं कि आप बस अटेम्प्ट करते जाओ, कुछ भी क्लिक करके जाओ, और इससे क्या होगा और नेगेटिव में आएगा। ठीक है, एक्यूरेसी भी तो होना चाहिए। तो अटेम्प्ट जिनका बहुत कम हो रहा है, आप ट्राई करो कि रीज़न क्या है आपका अटेम्प्ट कम होने का। ऑब्वियसली बात है, आपने सिलेबस बहुत कम सीखा होगा, या फिर वो सब इम्पोर्टेंट पोर्शन सीखा नहीं जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इम्पोर्टेंट पोर्शन सीखना है, सेम टाइम सिलेबस को थोड़ा इंक्रीज करना है ताकि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है कि जो लोग अटेम्प्ट तो ठीक ठाक कर लेते हो, बट अगर आपने 40 अटेम्प्ट कर लिया उनमें से 10 गलत हो गए, या फिर 50-60 अटेम्प्ट कर लिया और 20 गलत हो गए, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप बहुत गलत हो रहे हैं। एक्यूरेसी हमेशा इंक्रीज करना है, नेगेटिव मार्किंग याद रखना नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस नहीं कर पाया तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। ठीक है, मैं बातें को बहुत धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेट नाइट भी वीडियो बना रहा हूँ और लगभग सुबह हो चुका होगा, तो धीरे बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोग जग जाएगा। ठीक है, एनीवे, तो आप सुनो, ईयरफोन लगा के अच्छे से सुनो चीज़ों को। तो नेगेटिव मार्किंग को आपको कम करना है, जितना हो सके इतना नेगेटिव मार्किंग कम करना है, और इसी के ऊपर लास्ट में मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको एग्जैक्टली कितना अटेम्प्ट करना है ताकि आपका जीपैट 22 क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी रेट कितना है। हर दूसरा लोगों का एक्यूरेसी रेट अलग होता है, उन कुछ लोग ऐसा होता है चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो उसको 2-4-5 क्वेश्चन तो गलत होना ही है, वो उनका हैबिट हो चुका है, उसको नहीं सुधार सकता, तो उनको उस हिसाब से अटेम्प्ट भी थोड़ा ज़्यादा करना है। अब देखो, ये नेगेटिव मार्क वाला गया कि ज़्यादा नेगेटिव मार्क नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है, चाहे अटेम्प्ट थोड़ा कम करो बट एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। उसके बाद हो गया
कि आप जो गलती कर रहे हो वो गलती किस लिए कर रहे हो, ये क्या ये सिली मिस्टेक है। अगर सिली मिस्टेक बार बार कर रहे हो तो आप देखो कि क्यों कर रहे हो, वो सब क्वेश्चन को मार्क करो और एक बार लिखो। जो हमारा सिली मिस्टेक होता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, हमारा ब्रेन हर बार उसी चीज़ को उसी तरह से ही मिस्टेक करता रहता है। तो एक दो बार फिर से उसको आप रीड कर लोगे, अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे, देन यू कैन गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, सिली मिस्टेक। ओके, तो आप सिली मिस्टेक आपका कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक चीज़ करना है कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा न्यू लग रहे हैं या फिर अलग लग रहे हैं, तो देखो इस तरह से चीज़ें होना अच्छा बात है, क्योंकि न्यू क्वेश्चन ही तो आपको फेस करना है। सेम क्वेश्चन हर बार फेस नहीं करना है, न्यू क्वेश्चन फेस करना है, ताकि आप न्यू चीज़ें को किस तरह से हैंडल करें वो आपको आ जाए। क्योंकि जो GPA 22 होगा उसमें बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन तो न्यू होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्रीवियस ईयर से रहता है। सेम कॉन्सेप्ट आता है बट सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये बात याद रखना। ये पूरा सभी एग्जाम के लिए सेम ट्रेंड है, इवन गेट एंड CU सेट, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, बट सेम क्वेश्चन बहुत कम आता है, एक दो आ जाता है तो आ जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने नहीं लगाया था तो लगा लो, थोड़ा बहुत देख लो, ताकि आप अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रहना चाहिए और अपना मॉक टेस्ट उस लेवल का है कि नहीं, ये सब भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से एनालाइज करना है। और एक और चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज करना है, वो है कि आप जो भी आपका सफिशियंट टाइम है उसके अंदर कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट कैसा सिलेक्ट करना था डिटेल्स में बोल दिया, तो आई होप आपने अच्छा वाला सिलेक्ट किया होगा, कि जो 3 आवर्स का प्रॉपर 125 क्वेश्चन वाला है कि नहीं ऐसा। और नहीं तो मैंने एक बोला था जो वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट था, अगर आपने लिया होगा तो अच्छी बात है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें आप देख लेना कि आपको टाइम मैनेजमेंट का तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होने से आप देखो किस तरह से आपको इम्प्रूव कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कुछ प्रॉब्लम में अटक जाते हैं और उसको ही सोचता रहता है, ऐसा नहीं है। आपका ब्रेन का एक फिक्स करके रखो कि एक चीज़ को मैं 30, 40, 50 सेकेंड तक देखूंगा कि बन रहा है कि नहीं। अब आई मीन क्वेश्चन रीड करने के बाद 30 सेकेंड 40 सेकेंड देखो कि नहीं बन रहा है और आपको लग रहा है कि ये नहीं बनेगा, तो स्किप करो, नेक्स्ट में जाओ। क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितना ज़्यादा लास्ट तक अगर जा पाओगे तो अच्छा है। क्या पता कभी कभी क्या होता है, रैंडमली शफल करके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ इजी क्वेश्चन क्या पता लास्ट में चला गया। ठीक है, तो आपको लास्ट क्वेश्चन तक तो पहुंचना ही है, ऐसा नहीं कि 125 क्वेश्चन है आपने 100 तक जाके टाइम ओवर हो गया, नहीं होना है। आपको 125 तक जाना है, क्या पता लास्ट में बहुत सारे इजी क्वेश्चन एक साथ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इसीलिए आपको फर्स्ट टू लास्ट तक एनी हाउ पहुँचना है, टाइम मैनेज करना ही है एनी हाउ। और मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ टाइम मैनेज और ये सब गलती पकड़ने के लिए ही। अगर टाइम मैनेज फिर भी नहीं हो रहे तब तो कुछ तो प्रॉब्लम है, आप टाइम मैनेज करने के सीखो। और एक चीज़ याद रखना कि जो भी आपका गलत हो रहा है या फिर आप क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हो, तो वो सब क्वेश्चन को मार्क करके रखो। जो जो क्वेश्चन अब नहीं आ पा रहे हैं ना, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको आ गया, हाँ कैप्सूल साइज दिस वन फॉर ह्यूमन बींग लार्जेस्ट साइज कौन सा है, वो आपको आ गया, आपको ब्रेन में फिक्स्ड हो गया, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब ह्यूमन बींग के जगह में एनिमल का बिगेस्ट कैप्सूल साइज पूछ लिया और आपको पता नहीं है, तो आप उसी चीज़ को अब ध्यान देना है कि हाँ एनिमल वाला मेरा मेरा गलत हुआ था, तो इसको फिर से लिख के पूरा मार्कर मार के रखो कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ब्रेन फिर से उसी को क्लिक कर लेगा कि हाँ ये मेरा गलत हुआ था, इस बार गलत नहीं करना है। तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो जितना भी रॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उसको एक पेज में लिख के रखो, या फिर जो क्वेश्चन आप स्किप कर दे रहे हो उसको एक पेज में लिखो और एनालाइज करो कि फ्रॉम हुच सब्जेक्ट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू, आइदर फार्माकोलॉजी से ज़्यादा है या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री से, कहाँ से है। तो उस तरह का अगर कोई दूसरा एग्जाम के बच्चे देख रहे हो तो आपको आप भी इस तरह से एनालाइज करो कि ये सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर से है, फिर आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो कि आपका पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट में ही वीक है। और कुछ मॉक टेस्ट तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी होता है, तो उसके लिए कभी दिन वीडियो बना दूंगा कि उस तरह से उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। पार्टिकुलर बाय फार्माकोलॉजी के लिए दे दिया, उसके बाद इम्प्रूव किया। तो यही होता है कि आपको रिवाइज करना है। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट का अटेम्प्ट बहुत कम कर पा रहे हो, आप उसको फिर से रिवाइज।
So this is all about from my side, from mock test analysis. This is really important. Thank you for watching this video and keep sharing. Thank you.